हाँ जी, यस बेटा, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो अबाउट द रोल ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। हम स्पोर्ट्स में टेस्ट का क्या रोल है, क्यों टेस्ट करते हो, कैसे करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ एनी स्पोर्ट्स पर्सन। सो दिस इज आवर टॉपिक। हाँ जी, यस, ईशांत सानी, Am I audible to you? Yes, beta. Am I audible to you? Ishan. Yes, sir. आपका पीरियड फोर्थ है ना? बेटा, योर क्लास, आप जसविंदर मैडम की क्लास में हो ना? यस सर। वो बेटा चेंज हुआ है पीरियड, फोर्थ होगा आपका। सॉरी सर, ओके ओके, सॉरी। ओके, हाँ जी, यस बेटा, वी विल डिस्कसिंग रिगार्डिंग टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल We should understand tests, the role of tests. ठीक है, tests हम कैसे लेते हैं sports में, क्यों ये जरूरी है, what is the benefit of tests? First of all, as you understand, tests may be called as a tool of questions. ठीक है, to set a different query regarding examination. हम स्पोर्ट्स किसी भी एकेडमिकली अगर हम कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हमारे टेस्ट होते हैं, वी इवेलुएट आवर परफॉर्मेंस। ठीक है, सेम इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स देयर इज डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट टूल्स वी यूज, डिफरेंट डिवाइसेस वी यूज टू चेक, टू टेस्ट दैट पर्सन्स परफॉर्मेंस। हियर इज द परफॉर्मेंस वी हैव टू चेक, वी हैव टू टेस्ट। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में भी आपके टेस्ट होते हैं, ये नहीं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, एकेडमिकली हो, वहां पे ही आपके टेस्ट होते हैं। इट इज आल्सो इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, नॉट ओनली इन एकेडमिकली। तो टेस्ट मे बी कॉल्ड एज ए टूल, ए क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस और एन एग्जामिनेशन विच इज यूज टू मेजर द पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स और करेक्टरसाइज ऑफ एन इंडिविजुअल और एनी ग्रुप। अब वो हम कैसे चेक करते हैं, हमने डिफरेंट आपको स्पोर्ट्स, सिंपल है, व्हेन एवर यू गो फॉर एनी मेडिकल जो टेस्ट होता है आपका, या आपका ग्राउंड टेस्ट होता है, तो वहां पे डिफरेंट उन्होंने नॉर्म्स एंड कंडीशन रखी होती है कि आपने 100 मीटर इतने सेकंड में करना है, लॉन्ग जंप करना है, इतना डिस्टेंस होना चाहिए आपका, तो वहां पे डिफरेंट नॉर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो आपका टेस्ट होता है। If you qualify that particular qualifying round, then you will be able for the further round. तो ये test आपके sports में बहुत major role इनका होता है। Same आपका measurement, ठीक है? Measurement से related क्या आपका होता है? It is reference to a process of administrating, ठीक है? A test to obtain a quantitative data, जो हम data लेते हैं test करने के पास, वो हमारी मेजरमेंट होती है। ठीक है, इसका भी बड़ा रोल आपके स्पोर्ट्स में होता है। टेस्ट और मेजरमेंट के ही थ्रू हम डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स को रिगार्डिंग उसकी स्ट्रेंथ से, उसके ट्रायल बेसिस पे हम उसको ऑप्ट करते हैं। ठीक है, तो इट इज ए इवेल्युएशन प्रोसेस इन विच वेरियस टूल एंड टेक्निक आर यूज।
जो मेजरमेंट करते हैं, इट इज इवेल्युएशन ऑफ, इट इज इवेल्युएशन प्रोसेस इन विच वी आर यूजिंग वेरियस टूल्स टेक्निक्स, ठीक है, फिर हम उसको मेजर करते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं। तो टेस्ट एंड ये आपका मेजरमेंट, इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। देन योर मोटर फिटनेस टेस्ट, ये सब टेस्ट आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं। दीज आर द डिफरेंट टेस्ट टू जज द स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। ये टेस्ट आप कोई भी कर सकते हो, मोटर फिटनेस टेस्ट, जिससे हम जज करते हैं कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, ऑल ओवर फिटनेस जिसको हम बोलते हैं, दिस इज मोटर फिटनेस टेस्ट। तो इसमें हम 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट है जैसे आपका, इसमें डिफरेंट टेस्ट आपके दिए हैं उन्होंने वहां पे, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, आपको हाँ जी यस शुभि, हाँ जी यस बेटा, एम आई ऑडिबल टू यू शुभि? यस सर। बेटा आज हम कर रहे हैं ये, आप थोड़ा लेट आए हो क्लास में। टुडेज आवर टॉपिक इज टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, ओके। इसमें सबसे पहले आपका आता है व्हाट इज टेस्ट। टेस्ट सिंपल है, जैसे आप एकेडमिकली पढ़ते हो, इट इज ऑल्सो इन द स्पोर्ट्स कि हम टेस्ट लेते हैं डिफरेंट परफॉर्मेंस का स्पोर्ट्स का, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चन टूल्स हम यूज करते हैं टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। डिफरेंट टूल्स क्वेश्चन बने होते हैं, उसको हम जज करते हैं उसकी परफॉर्मेंस। ये टेस्ट एंड मेजरमेंट हमने लेने हैं रिगार्डिंग स्पोर्ट्स के। सेम मेजरमेंट में क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या है, इट इज ए इवेल्युएशन प्रोसेस, ठीक है, इन विच वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स टेक्निक्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एनी स्पोर्ट्स पर्सन एंड इंडिविजुअल, ठीक है। वही आपका टेस्ट और वही मेजरमेंट को एनालाइज करने के लिए आगे फर्दर मोटर फिटनेस टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टेस्ट, इसमें पूरा आपके बॉडी का स्ट्रेंथ, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, वी ट्राई टू कवर ऑल दीज टाइप ऑफ कंपोनेंट्स विच वी नीड फॉर फिजिकल फिटनेस, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट आपको मोटर फिटनेस टेस्ट दिए हैं जो आपके सारे कंपोनेंट और फिजिकल फिटनेस को कवर करते हैं। कोऑर्डिनेशन है आपका, एजिलिटी है, बैलेंस आपका बॉडी का होना चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ, स्पीड, सारी चीजें कवर, रिएक्शन टाइम आपका कैसा है। तो दीज आर द फॉलोइंग टेस्ट, तो इनको हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। एज यू नो 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, तो हमने इसमें क्या है, स्टैंडिंग स्टार्ट देना है। आपका डिस्टेंस इसमें 50 मीटर होता है। इसके लिए मेन सबसे पहले क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट। आपका जो मेन पर्पस होता है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट का, दैट इज एनालाइज द स्पीड एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। वो आपने स्पीड और मेन पर्पस हमारा होता है, हमने किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की, इंडिविजुअल की स्पीड और एक्सेलरेशन को जज करना है। उसको हमने उसकी स्पीड को और एक्सेलरेशन को देखना है कि उसकी स्पीड कितनी है, वो 50 जो मीटर आपका डिस्टेंस है कितनी जल्दी कवर करता है, और एक्सेलरेशन मींस कि हाउ फास्ट ही गेन इज मैक्सिमम स्पीड। एज यू नो स्पीड ओब्लिक आपका जितना डिस्टेंस ओब्लिक स्पीड। अब आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन जज करना है कि वो एक्सेलरेशन मींस कि हाउ फास्ट यू गेन योर मैक्सिमम स्पीड इन मिनिमम टाइम, ठीक है। तो ये हमारा इसका मेन पर्पस है। उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स, उसके लिए इक्विपमेंट्स क्या होंगे आपको, अगर आपने 50 मीटर का, आपको पहले तो एटलीस्ट यू हैव 70 मीटर ट्रैक, ठीक है। देन ट्रैक के बाद स्टॉप वॉच आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। देन यू नीड अ डिफरेंट मेजरिंग टेप, कोन,
सो दैट वो आपका जो ट्रैक है बना है, ठीक है, आपका ये जो ट्रैक बना है इसकी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग, और एज यू नो फिनिशिंग लाइन से भी एक्स्ट्रा स्पेस आपके पास होना चाहिए, सो दैट एथलीट जो स्प्रिंटर होगा वो भाग के एकदम फिनिशिंग लाइन पे नहीं रुकता है, उसको थोड़ा आगे तक अपना फॉलो थ्रू करना पड़ता है. सो दैट वी नीड एटलीस्ट 70 मीटर ग्राउंड फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेट वन एरिया पर्टिकुलर स्पेस जो प्रॉपर होगा, अनइवन नहीं होना चाहिए आपका सरफेस, अनइवन नहीं होना चाहिए, जितना भी ट्रैक है इट शुड बी स्मूथ, ठीक है. उसके बाद आपने क्या किया है, वहां पे लाइन मार्क कर दी है, स्टार्टिंग लाइन कर दी है, फिनिशिंग लाइन कर दी है, आपके पास स्टॉप वॉच होनी चाहिए जिससे आप उसका टाइम नोट कर सकते हो. देन आपका जो एथलीट है, जो इंडिविजुअल है, वो उसको यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन पे, ये आपकी स्टार्टिंग लाइन है, दिस इज योर स्टार्टिंग लाइन, यहाँ पे उसने स्टैंडिंग पोजिशन पे खड़े होना है. आपके पास एटलीस्ट टू ऑफिशियल्स होने चाहिए, ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट देता है और जो फिनिशिंग पे टाइम आपका काउंट करेगा. दैट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस टेस्ट. आपने यहाँ से सिग्नल देना है उसको स्टैंडिंग लाइन पे, वो आपका एथलीट खड़ा होगा, जो आपकी लाइन है उससे वो पीछे होगा स्टैंडिंग पोजिशन में एज यू फील कंफर्टेबल. देन देर इज अ सिग्नल ऑन योर मार्क, ठीक है, सेट एंड गो. गो पे वो भागेगा, आपकी स्टॉप वॉच ऑन हो जाएगी, आपने टाइम नोट करना है उसका, ठीक है, वो उसकी स्पीड आप उसका टाइम नोट करके अपने पास रख सकते हो. ये आपका फर्स्ट मोटर फिटनेस टेस्ट होगा, दैट इज 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट. देन आपका नेक्स्ट इसमें जो सेकंड स्टार्ट आपका, जो सेकंड आपका फर्दर टेस्ट है, दैट इज 600 मीटर रन और वॉक. ठीक है, इसमें क्या है, सेम आपने इक्विपमेंट लेने हैं, ग्राउंड लेना है, ठीक है, डिस्टेंस आपका प्रॉपर होना चाहिए, सरफेस स्मूथ होना चाहिए, ये आपको प्रिकॉशंस हैं. बिफोर डूइंग एनी दिस टेस्ट यू शुड बी हैव ए वन प्रॉपर राउंड ऑफ योर ट्रैक, योर स्पेस, जहाँ पे भी आपने ये टेस्ट को लेना है कि वो जगह आपकी स्मूथ है, कोई अनइवन तो नहीं है, स्लिपरी तो नहीं है, ये सारी चीजें आपने चेक करनी है. और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन आपका क्या है इसमें, दिस इज द मेन पॉइंट, व्हेन एवर यू कंडक्टिंग दिस टेस्ट वार्मिंग अप इज कंपल्सरी. विदाउट वार्म अप Never go for any test. ठीक है, कोई भी हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, गेम खेलते हैं, उसका जो एक सबसे मेन रूल है, जो बेसिक्स है, वो दैट इज वार्मिंग अप. विदाउट वार्मिंग अप आपने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी लाइफ में नहीं करनी है. ये आपका मेन प्रिंसिपल है व्हाइल यू आर प्लेइंग. ठीक है, तो ये वार्मिंग अप सबसे पहले आपका ट्रेनीज हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको वार्म अप के लिए बोलना है. जब वो वार्म अप होंगे उसके बाद ही आपके ये सारे इवेंट चलेंगे. ठीक है, और वार्मिंग अप के बगैर आपने कोई एक्टिविटी नहीं करानी है, देन इट इज 100% ऑफ चांसेस ऑफ इंजरीज आर देयर. अगर कोई भी विदाउट वार्मिंग अप करके एक्टिविटीज करता है, कोई स्ट्रेनियस एक्टिविटीज करता है, तो वहां पे आपके इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड, whenever you start any sports, physical activity, घर पे भी हो, कहीं walk करने जा रहे हो, आपने कोई sprint करनी है, तो you have to first of all warm up. अगर आप कोई recreational activities खेलते हैं, कोई evening में sports करते हो, तो this is compulsory. Same, this is 600 meter race, वो आपका speed के लिए था, ये aerobic के लिए हो गया आपका.
दैट इज एंडोरेंस के लिए. इसमें आप उसको इंडिविजुअल को वो रनिंग भी कर सकता है, वो वॉक भी बीच में कर सकता है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है. अल्टीमेटली क्या होगा, हमने उसका टाइम काउंट करना होता है कि उसने कितने शॉर्टेस्ट पीरियड में ये 600 मीटर को कवर किया है. दैट इज हिज और हर एरोबिक एंडोरेंस कैपेसिटी. ठीक है, तो उसमें भी सेम आपका वही है, ग्राउंड आपने लेना है, आपके पास ट्रैक होना चाहिए, स्टॉप वॉच होनी चाहिए. देन नेक्स्ट थर्ड आपका सिट एंड रीच. ठीक है, थर्ड वन होता है आपका सिट एंड रीच. सिट एंड रीच टेस्ट, दिस इज फॉर लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है आपका सिट एंड रीच टेस्ट का, कि जो आपके लोअर बैक, ठीक है, उसको हम उसकी उसको चेक करते हैं कि आप में लोअर बैक की आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है. ठीक है, इसमें सिंपल है, यू हैव टू आपने ग्राउंड में बैठ जाना है, उसके बाद क्या करना है, वो एक बॉक्स बना होता है सिट एंड रीच बॉक्स, आपने अपने शूज को उतार देना है. ठीक है, सीधे ग्राउंड में नीचे एक मैट ले लेनी है, उसके ऊपर बैठ जाना है. वहां पे फिर वो बॉक्स बना होता है, वहां पे आपके शूज आ जाएंगे. ठीक है, वो एक ऐसा बॉक्स बना होता है, नीचे यहाँ पे जैसे ये शूज आ गए, ये ऊपर बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे शूज लग गए ऊपर, ये एक हल्का सा उसमें मार्किंग एरिया होता है बना हुआ. ठीक है, ये जैसे ये है, इसके ऊपर यहाँ पे आपका मार्क्स लगे होते हैं. यहाँ पे आपका हैंड को आपने टच करना है, इसको हैंड को टच करना है यहाँ पे इंडिविजुअल ने, जिसका डिस्टेंस जितना आगे इस बोर्ड से जाता है वो उसकी रेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको हम बोलते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बैक कितनी है, वो फिर उससे हम काउंट करते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है मेन पर्पस क्या है हमारा, मेन पर्पस हमारा लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग. जब आप बैठते हो तो आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेच करते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स, तो उससे हमारे को लोअर बैक प्लस हैमस्ट्रिंग का मसल्स को उसकी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का पता लगता है. तो दैट इज द मेन टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट. उसमें आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट कर सकते हो. प्रोसीजर सिंपल है, आपने फ्लोर पे बैठ जाना है, अपने शूज को रिमूव करना है, लेग्स आपकी सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट, बोथ नीज इट शुड बी स्ट्रेट, वो बेंड नहीं होने चाहिए. देन यू हैव टू ट्राई टू बेंड योर अपर बॉडी फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस बॉक्स. बॉक्स के ऊपर अपनी बॉडी को फॉरवर्ड करना है, जितना आप इसको फॉरवर्ड करते हो, ठीक है, जितना आप बॉक्स से आगे तक जाते हो वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो आपका एरिया ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होता है, उसको हम काउंट कर लेते हैं. देन आपका नेक्स्ट जो होता है टेस्ट, दैट इज पार्शियल कर्ल. ठीक है, पार्शियल कर्ल मीन्स यू हैव टू लिफ्ट योर बॉडी अपवर्ड, दैट इज वेरी स्टॉप. पार्शियल कर्ल, सेम इसमें भी आपको यू हैव टू ले डाउन, सीधा बैठ जाते हो, हल्का सा जो आपका प्रोसीजर इसमें क्या है, लेग्स को हल्का सा हम नीज को बेंड करते हैं 90 डिग्री में. ठीक है, आर्म्स को साइडवेज रखते हैं और अपनी अपर बॉडी को लिटिल बिट लिफ्ट करना है, ऊपर को लिफ्ट करना है. ऑटोमेटिकली आपके आर्म्स आगे आएंगे, वहां मैट बना होता है, मैट पे आपको मार्क दिया होता है, दैट इज 6 inches. ये प्रैक्टिकल आप जब करोगे दैट विल बी इजियर फॉर यू. ठीक है, ये जो जितने भी आपके मोटर टेस्ट हैं, जब आपके स्कूल ओपन होंगे, अगर आपका जहाँ पे प्रैक्टिकल शुरू होगा, देन वी कंडक्ट दिस ऑल टेस्ट, मोटर फिटनेस टेस्ट. जब आप प्रैक्टिकली इसको करोगे देन इट विल बी इजियर फॉर यू, आप इसको भूलोगे नहीं कभी भी. तो इसका मेन क्या है, आपने नीज को बेंड करना है, शोल्डर वाले पोर्शन को, जो अपर पोर्शन शोल्डर वाला पोर्शन है, जब हम सीधे बैठेंगे स्ट्रेट लेग्स को,
उसको नीज को बेंड किया, अपर बॉडी को हल्का सा ऐसे ऊपर लेके आना 6 to 9 inches, ठीक है। सेम आपके नीचे मैट बना होगा, मैट के ऊपर आप बैठे होंगे, वहां पे मार्क लगे होते हैं, आपका हैंड फॉरवर्ड आएगा हल्का सा, अपर बॉडी ऊपर आएगी। आपने इसको हम कंडक्ट करते हैं तो इसको कैसे कंडक्ट करेंगे, ये तो आपका डिस्टेंस से मेजर हो गया, ये आपका टाइम से सारे हो गए। पार्शियल कल का क्या होगा कि आपने 30 सेकेंड, आपको सपोज हमने दे दिए हैं कि 30 सेकेंड में आपने कितनी बार कंप्लीट किया है कर्ल, कितनी बार आप ऊपर आए हो फिर बैक गए हो, दैट इज योर काउंटिंग, वो आपके काउंट करते हैं, ठीक है। इसको हम पार्शियल कर्ल करते हैं और दैट इज वेरी गुड फॉर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ। जितने भी आपके फुटबॉल के हैं, हॉकी के प्लेयर्स हैं, ठीक है, सारी गेम कोई भी आप जो मेजर गेम ले लो, बास्केटबॉल है, ये दिस इज पार्शियल कर्ल। देन सिटअप्स, सिटअप्स आपके सिंपल्स होते हैं, देन साइडवेज मूवमेंट से होते हैं। दीज ऑल आर एक्सरसाइजेस वेरी गुड टू रिमूव योर फैट्स इन योर स्टमक, साइड पे जो फैट्स होते हैं मोस्टली यहाँ से गर्ल्स के, ठीक है, वुमेन्स के बहुत ज्यादा होते हैं आजकल, जो आपके बॉयज जो टीनेजर्स हैं जो बहुत ज्यादा फास्ट फूड और ये सारा चल रहा है, ठीक है, उनको भी ये मेन प्रॉब्लम होती है। तो दिस एक्सरसाइज इज द बेस्ट एक्सरसाइज, अगर आप इसको डेली करते हो 100% है कि जितने भी आपके फैट्स यहाँ पे स्टमक्स के आसपास हैं, हिप के ऊपर है, सारे आपके इजिली यू कैन रिमूव दिस, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। देन आपका पुशअप्स हो गया, ठीक है, ये भी आपकी जनरल फिटनेस की एक्सरसाइजेज हैं। ये बेसिक्स एक्सरसाइजेज हैं जो आपको मैंने लिखाई हैं स्टार्टिंग में, डिफरेंट नेम ऑफ एक्सरसाइजेज। तो ये हर गेम में, मेजर गेम में हम ये एक्सरसाइज से अपने को वार्म अप करते हैं, ये रूटीन में हम ट्रेनिंग में एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो पुशअप्स में सिंपल है आपका, इसमें भी आपकी क्या, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पुशअप्स, द मेन पर्पज ऑफ पुशअप इज आपका जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ है उसको हम टेस्ट करते हैं, जिसको आप इसमें अपर बॉडी में आप शोल्डर आ जाते हैं, आपका चेस्ट आ जाते हैं, डेल्टॉइड मसल्स आ गए हैं, ठीक है, ट्राइसेप्स आ गए हैं, आपके पेक्टोरियल्स के मसल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं व्हेन यू आर डूइंग पुशअप्स। दिस इज फॉर द बॉयज, आपने अपनी आर्म्स को चेस्ट के साथ रखना है, पूरा एक्सटेंड करना है उसको, लेग स्ट्रेट होनी चाहिए, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी। Then you have to lower down your body straight, chest आपकी बिल्कुल ground पे लगनी चाहिए downward, and straight you have to lift your body upward. So this is also we count in the numbers. This is a 30 second. How many push-ups you are doing in 30 second? We count them. This is the best exercise also for fitness, general fitness. Then आपका ये sixth आ जाता है standing broad jump. ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इटसेल्फ इज क्लियर, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप मींस आपने एक स्टेशनरी पोजीशन से जंप करना है, ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, दिस इज एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव पावर। जो आपने स्ट्रेंथ आगे पढ़ोगे, स्ट्रेंथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, मैक्सिमम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, वन ऑफ देम इज एक्सप्लोसिव, ठीक है। आपने यहां से स्टेशनरी पोजिशन से एक पोजिशन, स्टेशनरी पोजिशन पे खड़े होना है, लाइन लगी होगी, वहां से आपने अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है फॉरवर्ड। इसके लिए आपको मेन क्या चाहिए बेटा, ये पुशअप्स है, पार्शियल कर्ल है, यू कैन डू इजिली, इसके लिए कोई बहुत स्पेस नहीं आपको चाहिए होगी, ठीक है। वेन एवर यू राइट दिस ऑल क्वेश्चन, आपने सबसे पहले लिखना है इसका पर्पस क्या है, इसमें इक्विपमेंट क्या है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, देन प्रोसीजर क्या है, ठीक है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के लिए आपको एक एरिया, एक जिसको हम पिट बोलते हैं, जहां पे हम लैंड करते हैं, वो आपको एक चाहिए होता है, ठीक है। स्टार्टिंग लाइन एक आप लगाओगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास टेप होनी चाहिए जिससे आप डिस्टेंस उसका
मैं ईयर कर सकूं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, उसको आपने स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ा रखना है। इसको बेटा सबसे बेस्ट इसका तरीका क्या होता है करने का, आपने यू हैव टू स्टैंड नॉर्मल जो हम पोजीशन में खड़े होते हैं, आपने उस पोजीशन पे खड़े होना है। देन यू हैव टू बेंड योर बॉडी डाउनवर्ड, अपनी बॉडी को डाउनवर्ड बेंड करना है। जितना बेंड करोगे उसके बाद उसको रेज करना है फॉरवर्ड जंप के लिए, अपनी बॉडी को स्विंग करना है फॉरवर्ड। आपके आर्म्स अपवर्ड जाएंगे तो आपकी बॉडी लिफ्ट होगी फॉरवर्ड, तो दैट विल बी एक्स्ट्रा आपको फोर्स मिलेगी अपनी बॉडी को आगे ले जाने के लिए। जितना फास्ट आप एक्सप्लोजिव का मींस स्पीड एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, एक्सप्लोसिव हम उसको बोलते हैं जहां स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन होता है। एंड लास्ट वन बेटा इसमें जो आएगा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के साथ, एक मॉडिफाइड, ये जो पुशअप्स हमने किए दैट इज फॉर बॉयज, और जो गर्ल्स के लिए सेम वैसे ही है, सिर्फ बेटा उसमें गर्ल्स के लिए क्या होता है मॉडिफाइड पुशअप का हमने नाम दिया। उसमें आप गर्ल्स अपना नीज को ग्राउंड में रख सकती हैं, ग्राउंड में नीज टच करेगा, बाकी सेम पुशअप जो जैसे हमने करना है, बॉडी को डाउनवर्ड लेना है अपवर्ड लेके आना। इसी में आपको मॉडिफाइड गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, ठीक है, ये आपका सिक्स हो गया, ये देन सेवंथ हो गया आपका। लास्ट वन एट इज दैट इज एजिलिटी 4 into 10 meter शटल रन, ठीक है, 4 into 10 meter शटल रन। ये आप लोगों ने 10th में 9th में भी किया होगा, प्लस वन में भी हम भागते हैं, टच करना है लाइन को, वापिस आना है एक स्टेशनरी पोजीशन से, यू हैव टू रन टच अनदर लाइन देन कम बैक, ठीक है, इसको हम एजिलिटी शटल रन इसको हम बोलते हैं लेटेस्ट उसमें। इसमें 4 into 10 meter डिस्टेंस, देन यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू पिक वन, वहां पे डिफरेंट, ये भी हो सकता है आपने यहाँ से भाग गए हो, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है उसको उठा के यहाँ पे रखा, फिर भाग गए हो, फिर वापिस आयो, मतलब 4 times यू कवर दिस एरिया, दैट इज एजिलिटी, दैट इज ए कोऑर्डिनेशन अमंग योर बॉडी, हाउ यू कोऑर्डिनेट योर सेल्फ। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग मोटर फिटनेस टेस्ट। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे बेटा तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से, आपको फॉर एवर यू रिमेंबर दिस टेस्ट, एंड दीज आर द फॉलोइंग टेस्ट विच आर वेरी यूजफुल फॉर योर फिटनेस। दिस इज ऑल रिगार्डिंग टूडेज टॉपिक।